हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कैरी कर रहे थे और वीडियो नंबर 4A दैट मींस पार्ट 1 में हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो पिछली बार के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देख पाए थे कि एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। अगर आप बात भूल रहे होंगे तो इसका पार्ट वन फिर से देख लेंगे। तो चलिए हम लोग इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, तो समझते हैं। चलो मान लेते हैं लेट क्यू इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ब्रॉट फ्रॉम infinity to a given point, that is a specific point q मान लिया। w equal to मान लेते हैं work done to bring q coulomb charge। आपको पता होगा ये चार्ज है, इसका जो यूनिट होता है किसमें होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ कूलम्ब, और यहां क्या है, इन टर्म्स ऑफ वर्क डन का यूनिट होता है जूल, इन टर्म्स ऑफ जूल। इस बात पे थोड़ा ध्यान देंगे, ये कूलम्ब के फॉर्मेट में है और ये वर्क डन है जूल के फॉर्म में। V इक्वल टू हमने समझा इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल, ये है क्या, इन टर्म्स ऑफ वोल्ट। ये सारा चीज को हमने बस बना दिया कि कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट तक लेके आना है, उस पॉइंट तक लेके आने में जो हमने वर्क डन किया वो मेरा डब्ल्यू है, और इस पूरे प्रोसेस में जो उस पॉइंट पर का जो पोटेंशियल है वो मेरा क्या है, वोल्ट है। अब थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यह एक स्केलर क्वांटिटी है, जनरली इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो है एसआई यूनिट हम लोग मानते हैं वोल्ट। अब इस चीज को समझते हैं, थोड़ा बस हम लोग देख लेते हैं यूनिटरी मेथड पे। अगर W वर्क डन होता है Q कूलम को लाने में, तो एक कूलम को लाने में कितना वर्क डन होगा, तो बस एक छोटा सा चीज हम लोग समझता है, सिंस टू ब्रिंग Q कूलम चार्ज W वर्क इज डन, Q कूलम को चार्ज लाने में हमको कितना वर्क डन हो रहा है W, therefore to bring one coulomb charge आप बताएंगे वर्क डन मेरा कितना हो जाएगा। तो आप बस सिंपल सी चीज है, Q कूलम चार्ज को लाने में W वर्क हो रहा है, तो एक कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क होगा, W बाई क्यू। लेकिन हम लोग पढ़े हैं एक कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दैट मींस V इक्वल टू W बाई क्यू। चलिए अभी तक तो हम लोग ये देखे कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या सिर्फ पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दिस इक्वल टू हम लोग देखे वर्क डन बाय चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यूनिट हमने क्या रखा, वोल्ट, वर्क डन के लिए क्या रखा, जूल, चार्ज के लिए क्या रखा, कूलम्ब। तो वोल्ट के लिए वी, जूल के लिए जे और कूलम्ब के लिए सी, ये मेरा एक
यूनिट में बनता है अगर एक वोल्ट दिस इक्वल टू वन जूल बाई वन कूलम। और यहाँ पे जब हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे तो पिछली बार हम लोग ऐसे लिख रखे थे वी दिस इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो इस तरीके से अगर हम लोग देख पा रहे तो ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया। इस आधार पर हम लोग निकाल पाएंगे कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है। एक वोल्ट इक्वल टू वन जूल बाई वन कूलम। अब ये चीज अगर पूछता है या चीज हम लोग जानेंगे कि वन वोल्ट आखिर होता क्या है, तो कहेंगे एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में अगर एक जूल वर्क होता है, एक जूल वर्क डन होता है, तो उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना कहलाएगा, वन वोल्ट। तो अगर हम लोग देखें वन वोल्ट दैट इज यूनिट है, वन वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ वन जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग, इफ वन जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग वन कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट देन। अब देखिए हम लोग क्या लिखे, अगर एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट तक लाने में अगर एक जूल वर्क होता है, वन जूल वर्क इज डन होता है, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड वन वोल्ट। अब तो वन वोल्ट का डेफिनेशन समझ लिए होंगे हम लोग। अभी दो चीज देखे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इक्वल टू W बाई क्यू, और दूसरी चीज क्या देखे कि इसका यूनिट अगर एक वोल्ट है तो वोल्ट इक्वल टू वन जूल बाई वन कूलम। और इसका मतलब ये होता है कि एक कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है वही उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, दैट मीन्स वन वोल्ट होता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं चार्ज में और वर्क डन में क्या चेंजिंग होगा, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से चेंज हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अभी तक तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े नहीं है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक हम लोग जो देखे हैं वो ऐसे समझते हैं, एक कूलम चार्ज को अगर लाने में एक जूल वर्क होता है तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक वोल्ट बोलेंगे। बस छोटा छोटा सा समझ लेना है, अगर दो कूलम चार्ज को लाने में दो जूल वर्क डन होता है तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना कहलाएगा, दो वोल्ट नहीं वन वोल्ट। आप देख पा रहे होंगे ये W by Q है, आप लोग का जवाब थोड़ा अलग अलग है लेकिन थोड़ा समझ लीजिए जरा। एक कूलम चार्ज को लाने में एक जूल वर्क होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वन है। नहीं समझ में आए तो बस देख लेना है कि वर्क डन अगर वन है और कूलम मेरा वन है तो वन बाई वन दिस इक्वल टू वन है। लेकिन अगर मेरा चार्ज दो कूलम है, वर्क डन अगर दो जूल है, तो यहाँ भी तो टू बाई टू दिस इक्वल टू वन है। उसी तरीके से अगर समझ लेते हैं, एक कूलम चार्ज को लाने में अगर 10 जूल एनर्जी खर्च होता है, कंज्यूम होता है, तो मेरा पोटेंशियल कितना कहलाएगा, W बाई क्यू, यानी कि 10 बाई 1, दैट मीन्स 10 वोल्ट। ये हमारा सब वोल्ट है, ये हमारा जूल में है, ठीक है, और ये मेरा कूलम्ब में है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि अगर कैसे देगा तो हम लोग क्या समझेंगे। सपोज करते हैं 10 कूलम चार्ज को लाने में अगर 1 जूल एनर्जी खर्च होता है तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, W बाई क्यू, दैट मीन्स 1 बाई 10 दिस इक्वल टू 0.1 वोल्ट। ओके, ये हमारा न्यूमरल फॉर्मेट था समझाने का, लेकिन जो असली चीज है उसको ऐसे समझते हैं। अगर कूलम की जगह पे करें, अगर चार्ज जो है ना वो n टाइम्स कर दें, चार्ज को क्या कर दें, n टाइम्स कर दें, और वर्क डन में चेंजिंग हम लोग नहीं लाएं, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट जो आएगा ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई एन टाइम्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहाँ पे 1 बाई एन टाइम्स हो जाएगा। ओके, अगर चार्ज नहीं चेंज करें और वर्क डन को अगर m टाइम्स हो जाए, वर्क डन कितना हो जाए, m टाइम्स हो जाए, तो इस केस में मेरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो मेरा हो जाएगा m टाइम्स, ठीक है। और अगर हम लोग
चार्ज को एन टाइम्स कर दें, चार्ज को एन टाइम्स कर दें, और वर्क डन मेरा अगर होता है इसके रिस्पेक्ट में एम टाइम्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है ना वो एम बाई एन टाइम्स हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आपके वर्कशीट आपके व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे, आपके ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, और इससे रिलेटेड सवाल आप बना करके आप भेज देंगे। अगले वीडियो में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे और समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा फंडामेंटल कैसे है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, और उस दिन हम आपको ये अल्टरनेट करंट का जो वोल्टमीटर आप देख पा रहे होंगे इससे हम करके बताएंगे कि हमारे घर में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं, वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसको पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ने का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।